बताइए कितनी गौ माता आज अपने पास? सात भाई, ये थार पर ये बच्ची आ बिल्कुल सुरी पे देखो तो इसका मतलब 12 लीटर दूध दिया, फिर ये बच गई, फिर ये अपने तैयार हो गई। अच्छा, एक बार ब्याह हुई थी अगले रहे, दूसरी बार अपने ब्याह आई, तीसरी बार खतर गया बन, और ये सरकारी फार्म की बच्ची आ खड़ा हुई, हरियाणा सरकारी फार्म। अच्छा जी, वहां से ली थी, ये 7 महीने करीब गया बना। अच्छा जी, 2.5 महीने बहने के बाकी, इसलिए 9-10 लीटर दूध है। यह बछड़ी खड़की ब्याह हुई, फर्स्ट टाइम मर गया। नमस्कार गोपालक साथियों, मैं आपका वैराज रूम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने गोचे व परिवार संस्कार हरियाणा में एक छोटा सा प्रयास गौ माता को मान सम्मान देना, हर घर में देसी गौ वंश हो, उसी मुहिम में आज पहुँचे ज्ञानी भाई के पास। कई भाई पूछते हैं कि राज भाई आपकी वीडियो बहुत कम आती है, क्यों आती है? तो आज मैं इसका कारण आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम गौ माता की सेवा में लिप्त रहते हैं, ना कि हमारा वीडियोज़ के माध्यम से धनोपार्जन करना कोई मकसद है। हमारा सिर्फ मकसद है गौ माता की सेवा करना। हम एक्सीडेंटल गौ माताओं को लेकर आते हैं, उनके चोटिल पर मलम पट्टी करते हैं, उनके कीड़े निकालते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आनंद आता है। और वीडियो का माध्यम हमारा सिर्फ रियलिटी दिखाना होता है, ना कि रील दिखाना होता है, आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज पहुँचे ज्ञानी भाई के पास, तो चलिए बात करते हैं। तो ज्ञानी भाई, कितनी गौ माता है आज अपने पास? 7 भाई है। तो पहले गोपालक साथियों को एक थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना, बताइए भाई। नाम क्या अपना? ज्ञानी भाई, गांव सातरोड़ी सार जी, हरियाणा जी। जी, तो फिर गौ सेवा कितने सालों से चल रही है भाई? वो भी 4 साल तो ऐसे शुरू से कर रहे हैं, 4 साल से तो अपना फोकस है वहाँ पे एक्सीडेंटल पे, बेसारा पे। अच्छा, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये भाई राज भाई की वीडियो देखी थी भाई, चैनल पर स्टार्टिंग वाला था भाई का जी, देखा जी। फिर भाई का जुड़े जी, फिर उसका फिर 7.5 महीने क्या चलता रहा जी। जी, तो हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक माध्यम जो वीडियोस का माध्यम है गौ माता को मान सम्मान देना, तो वो यहाँ पर सफल होता हुआ देख सकते हो। ज्ञानी भाई के पास है, काफ़ी यूट्यूबर भाई है जो बड़ी बड़ी गौ माताओं की वीडियो दिखाते हैं, और मतलब जो सेवा भाव है वो कहीं ना कहीं पीछे दिखता है, उनके पीछे रियल जो बात होती है वो नहीं दिखा पाते। और छोटी गौ माताओं की वीडियो आपने शायद ही किसी चैनल पर देखी होगी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ज्ञानी भाई सेवा भी करते हैं और गौ माता को मान सम्मान भी देते हैं, डिटेल लेते हैं। ज्ञानी भाई बताइए, कितनी गौ माता है आज अपने पास? 7 भाई, 7 बछड़ा है। तो गौशाला का क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है अपना भाई? भर्ती होगी उसकी, दीवार कौन देने भाई? अभी रेडीमेड दीवार है, जो फर्म वाली नहीं आती भाई, 5-7 दिन में सही मौसम होती है, काफी साफ सफाई भी आप रखते हो यहाँ पर भाई, दोनों तो पड़ा है ना, साफ सफाई तो जरूरी, बारिश का मौसम है फिर भी आप साफ सफाई देख सकते हो आप। तो गौ माता सारी देसी है? हाँ, सारी देसी भाई, एक बछड़ी थर पा, एक गाय थर पा, थोड़ी देसी मिक्स। अच्छा जी, अच्छा, ब्रीडिंग पे भी कार्य करते हो ना? कार्य चल रहा है? हाँ, ब्रीडिंग पे। नंदी महाराज भी अपने पास? हाँ, वो अपना जो बछड़ा है वो। अच्छा, बछड़ा से तो चलिए वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, तो बताइए डिटेल बताइए बच्चिया की। ये थार पर ये बच्चिया है बिल्कुल सुरी पे देखो, ऐसे इसलिए डायरेक्ट थर पकड़ लो उसे। अच्छा जी, अच्छा, ये बिल्कुल भी नहीं मार। अच्छा, एक महीने से ऊपर हो गया, लेकिन पक्का नहीं है, तसली नहीं है, अपनी गारंटी की ठहर गई या नहीं ठहरी, होली पक्का। अच्छा, भूल से गैबन गाएगी। हाँ, वो आप प्रोसेस करते नहीं चेक पास वाला? नहीं। अच्छा जी, नहीं अभी करेंगे तो भी ना, अभी हो ही नहीं, अभी नहीं, क्या पता चलेगा। अच्छा, इसी गारंटी नहीं, अपनी गैबन है या नहीं भी है। अच्छा जी, वैसे शांत और शरीफ है? बिल्कुल शरीफ। खीरी है वैसे? हैं, खीरी है? हाँ, खीरी दाने जोड़ रखे हैं, ज्यादा बड़ी उम्र की नहीं है, खीरी बछड़ी देखो। अच्छा जी, करेक्टर आप देख सकते हो बच्चिया के, ये देख सकते हो, ये देखे, बस बस रहने दो, रहने दो, खीरी है बिल्कुल। अच्छा, ना मारती बिल्कुल, शाम से पाओगी। ठीक है, ठीक है, शांत और शरीफ बच्चिया का स्वभाव आप देख सकते हो, ये देखे, कर खा चलो, कुकर क्यों कर लो। ठीक है जी, ठीक है। ये बछड़ा एक हरियाणा बुल के से गैप बनाई थी, इसकी माँ गाँव का बुल था, बहुत लंबा आई का ठू वाइट, इसका बछड़ा ठू देखो। अच्छा, लंबा ठू हुआ इसका, अच्छा बड़ा ठू हुआ, इतना हार्ड ठू बन जाए इसका बड़ा हुई। अच्छा, इब्बे देखो की टोटाई है। अच्छा जी, हाँ, अभी ये कमजोर थोड़ा। हाँ, तो बछड़े भी रखते हो आप? हाँ, इस गाय का बछड़ा है, तैयार कर दिया अभी, तैयार तो नहीं हो सही, तैयार वगैरह एड उजरी भी नहीं हो। तो ये कोई भाई ले जाना चाहता है तो ये कोई भाई ले जाना चाहता है, दे देंगे बछड़ा नुए। अच्छा जी, मदर का रिकॉर्ड, फादर का रिकॉर्ड? हाँ, मदर का रिकॉर्ड तो उसका मदर ने 12 लीटर दूध दिया है। अच्छा, और फादर का? फादर का पता नहीं, गांव का सरकारी सांड था, पुराना 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 सांड था। अच्छा, मर गया इसका बाबू तो बुढ़ा हो गया। अच्छा जी,
और इधर गौ माता को देख सकते हो, शुद्ध हरियाणा नस्ल की गौ माता को देख सकते हो। हम्प देख सकते हो गौ माता का, कट वाला हम्प है। थोड़ी सी लंपी के बारे में बताए। ये हैं लंपी का थी इसमें पहले, फिर लंपी में बच गई थी, मर्जर नहीं तो ये लंपी के साथ सेना ना नहीं लंपी का ओरिजिन। अच्छा, बिल्कुल शरीफ का है। अच्छा, आपके पास आई तो किस सिचुएशन में आई थी? जब तो यहाँ गुंडन नहीं हो रही थी, आना हो रही थी, फिर अभी से टिकट आके लाए। अच्छा जी, आपने ठीक की। हाँ, फिर यह बच गई, फिर अपने तैयार होगी। अच्छा जी। एक बार ब्याह हुई अगले गए, दूसरी बार अपने ब्याह आई, तीसरी बार खातर गया बन हो रही है। दे थोड़ा बहुत बछड़ा पी ले तो। अच्छा जी, आप निकालते नहीं हो? ठीक हो, निकाल दे, बंद कर दिया। तो पिछले ब्याह में कितना दूध दिया था? पिछले ब्याह इसी ब्याह दिया 12 लीटर। हाँ, वैसे शांत? शांत, बिल्कुल शांत। अच्छा जी, तो अच्छा इस प्रकार की गौ माता आप लेके आते हो फिर, और फिर उन पर कार्य करते हो आप, ब्रीडिंग पे भी कार्य करते हो, सेवा भी करते हो आप? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। किधर आए आगे? ये सरकारी फार्म की बच्ची खड़ा हुई। अच्छा, हरियाणा का सरकारी फार्म, वहाँ से ली थी। ये थोड़ी गर्म स्वभाव की होती है, थोड़ी ऐसे शरीफ है। अच्छा, थोड़ी गर्म स्वभाव की होती है। अच्छा, से ही? हाँ, क्योंकि वे खुली चलाते हैं ना, भीड़ में रहती है, आदमी आदमी कम देखती है, डरती हो। हाँ ठीक है जी, ठीक है। इसके बारे में और बताइए। ये 7 महीने करीब गैप बने, 2.5 महीने बहने के बाकी इसके। हाँ अच्छा, ये बिल्कुल स्लीप है, शांत है, बिल्कुल शांत। गौ माता का शांत और शरीफ स्वभाव आप देख सकते हो, पूंछ को ऊपर उठाते हुए ये देख सकते हो। कितने महीने बाकी है अभी? इसके 2.5 महीने मान लो। अच्छा, कौन से ब्यांत में? दूसरी बार ब्याह हुई, एक बार तो ब्याह लिया। दूसरे ब्यांत में गौ माता को देख सकते हो आप। आगे वाली के बारे में और बताए। ये ब्याह रखी है। क्या कुछ रिकॉर्ड है अभी इसके? 9-10 लीटर दूध है। हाँ, वैसे शांत है, बिल्कुल शरीफ है, नैना नूना कैसे लगाओ, आराम से दूध निकालो। अच्छा जी, सीट्स की स्पेसिंग आप देख सकते हो, अंडर क्वालिटी आप देख सकते हो, मिल्क वैन भी देख सकते हो आप। ये देखिए, या ब्याह पास थोड़ी बीमार हो गई थी, जाते सूख गया एकदम, याद सरी को नहीं डर, जब दूध तो ठावा दी थी, फिर हम फालतू बनाए दे तो कमजोर हो गई, सरी को नहीं, एक हफ्ता लगी तो सेट हो गई सही। अभी कितना देरी है मौके का? अब मौके फिर इसके नीचे 9 लीटर गड्ढा भी हो, बचता कहीं बासी भी हुआ है, इतना बिंदी हो। लगभग कैपेसिटी की बात करें तो 10 कह रहे कि 10-11 महीने लो सारा वैसे। अच्छा, कैपेसिटी है इसकी। अच्छा जी, ये भी 17-15 करता कहाँ तो काटे को नहीं। अच्छा, यह बछड़ी हल्की ब्याह हुई, फर्स्ट टाइमर यहाँ। फर्स्ट टाइमर। एज की बात करें तो? हैं, एज तो 2 साल हो रही है। अच्छा, कितने महीने की क्या बिना? 20-25 दिन ब्याह जी लोटी ऑर्डर सब ऑर्डर करना शुरू किया है। वैसे शांत है, बिल्कुल सही, ये देख सकते हो आप, पतली चमड़ी है, बारीक चमड़ी की। ठीक है जी, ठीक है। आगे वाली के बारे में और बताओ। ये वही अपनी गाय की बछड़ी है पुरानी, पहले वाली ब्याह गई, अब तो ये सही, बिल्कुल देखो। कौन से ब्यांत में ये दूध निकाल गया? वैसे ऐसे दूसरी बार ब्याह किया, बिल्कुल शरीफ है। ठीक है जी, ठीक है। ये मानते हैं 8 लीटर दूध इसका तलाई फिलहाल। अच्छा जी, 10-11 दिन की दाई हो रही है इससे, बछड़ी है वाइट। अच्छा जी, हाँ देसी। ठीक है जी, कितने दिन की दाई होगी? 10 दिन की। 10 दिन की, मिले ये देख सकते हो आप, एक से एक गौ माता। इन पर आप ज्ञानी भाई साहब से लेकर ब्रीडिंग पर कार्य कर सकते हो, जिस प्रकार ज्ञानी भाई भी कुछ एक गौशाला का कार्य करते हैं, ज्ञानी भाई उन पर कार्य करते हैं। ये गौ माता को देख सकते हो और साथ में इस बछड़े को देख सकते हो आप। ये देखे यहाँ पर प्योरिटी कुछ आई है, ये देख सकते हो बछड़े को। और बताइए इनके बारे में, और बताए ज्ञानी भाई किस बच्चे के बारे में बताए। ये तो अंधी बछड़ी है। अच्छा जी, अंधी है। ये एक्सीडेंट में लाए थे, अभी एक्सीडेंट हो रही है। अभी एक्सीडेंट डंगर ले आओ, वो भेजा है, दिखाऊंगा वीडियो भाई नाराज भाई ने। अच्छा जी, अपनी गाड़ी में ले रहे एक्सीडेंट की, अभी कोई पर्ची नहीं काट दे, कितने भी कोई डंगर पशु बीमार हो अपने फॉर्म लाओ, आप बैठा ले आवा। कितने किलोमीटर तक लेकर आते हो? अपना 200-250 किलोमीटर तक दूर की देखे में भी ले आवा। ठीक, कोई पशु हो। ठीक है जी, ठीक है। आगे ये बच्चे और
ये बछड़ा तो उसका है बिल्ली का, ये उस गाय लिल्ली गाय का है, ये बछड़ी का ये गाय का है। अच्छा, दोनों बछड़ी है। इसके देखो है कि नहीं बछड़ी है, देखो। अच्छा जी, अंडी है, अंडी है। हाँ, ऐसे एक ही बीच दिया। अच्छा जी, ये कहाँ से लेके आए थे? ये रोड एक्सी रोड पे थी, घूम रही थी, इसे कुत्ते काट रहे थे, देखा तो इसकी आँख नहीं थी, छोड़ दी होगी, अंधी भी सोच के अंधी तो पाल लेता। अच्छा, और गोपालक भाइयों को क्या कहना चाहोगे? और तो भाई गौ माता का प्रत्येक जागरूक हो भाई, अपना हिंदू धर्म नहीं संभालो। अच्छा जी, होगी सार में थोड़े दिन पहले सुनया हो एक बछड़े का। हाँ हाँ, मैंने पुत्र बछड़ी थी उसकी नाड़ कैद के मंदिर में चढ़ाई दी। मुस्लिम धर्म आगे बढ़े ना रहा, हिंदू धर्म पीछे सरकार ना रहा, पता नहीं लोग सो रहे हैं। जी जी जी, थोड़े दिन मेरे ये राज्य कर देंगे, बांग्लादेश वाला काम हो जाएगा अपना भी। जी 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 जी, तो अपनी गौ माता का प्रति भी रखो और अपना धर्म भी जरूरी है, सनातन धर्म की तरफ भी बढ़ो। जी, तो गौशाला का कार्य क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए कि कहाँ तक प्रोसेस पहुँच चुका है और आगे क्या कुछ करने की आपकी? भाई अपनी सर्दियों तक लगभग आधी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सीडेंटल गौ माता तो अभी भी लेके आते हो आप? काफी साल हो लाते हैं, ठीक करते हैं उनको, बाद में ठीक होने के बाद दूसरी गौशाला में बड़ी गौशाला में छोड़ आते हैं, वे ले लेते हैं। उन्होंने हम कह रखा भाई हमारी बड़ी नहीं अभी, हमारे पास वे छोड़ा है। अच्छा जी, इसलिए इस प्रकार की गौ पालक भाइयों को दे भी देते हो आप? ये गौ दे देंगे, गौ भाई लेना है छोड़ो, ये बछड़ा बढ़िया भाई हो ना। हाँ भाई, पता करेंगे गौ पालक है या नहीं है, ये बछड़ा दे देंगे। ये बछड़ा भाई प्योर बढ़िया बछड़ा लिख रहा है कोई भाई, गाँव को रखता हो जिसे देसी सही हो तो बछड़ा बेस्ट लेगा, देखो बछड़ेगा। पंचायत ले जाना चाहे तो पंचायत? हाँ, पंचायत का बेस्ट, बहुत बेस्ट रहा हम पे, देखो बछड़े पहले। अच्छा जी, देखो मदर को साथ में देख सकते हो आप? मदर यार ये बछड़ा रहा, इसका बब्बू गया, गुरुड़े बुढ़ा हो गए, मर गया, डेथ हो गई। अच्छा जी, बुढ़ा हम था, बब्बू का पूरा बुढ़ा हम बना। अच्छा जी, टेस्टिकल देख लो बछड़े के, टेस्टिकल देखो। अच्छा जी, हाँ देख सकते हो। हाँ, मैंने टेस्टिकल देख लो बछड़े के, ये देख सकते हो। तो पंचायत में कोई ले जाना चाहता था? दे देंगे फ्री है बिल्कुल। अच्छा, कोई भी ले जाओ, कोई पैसा नहीं लेते। हाँ, और ये गौ माता भी ले जा सकता है कोई अच्छा गोपालक? हाँ, कोई भाई गोपालक अच्छी गौ माता चाहिए तो दे देंगे, गौ माता बढ़िया आदमी होना चाहिए। और गोपालकों के लिए कोई संदेश आप? और तो भाई गौ प्रति बताएगा भाई, गौ प्रति थोड़ा जागरूक हो, अपनी गौ खत्म होना रही है, धर्म भी अपना थोड़ा किस तरह देख लीजिए चल रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो ज्ञानी भाई सब जानकारी, ज्ञानी भाई सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल भाई।